बाई लाइव न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। असं इस समय पहुंचे हाँ नूर महल के सिविल होस्पिटल विखे। जिमें कि आप सब साथियों को पता ही है कि रविदासिया कौम के निधड़क आगू बिट्टा चंबा जी उत्ते कल जानलेवा हमला होया। आओ आप उन्होंने को जानकारी लेने हैं। सर जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। चंबा साहब की है पूरा मामला, ये बारे थोड़ा जहा विस्तार दसो भी जी कल ते पिंड गुंडागर्दी हुई है, सो की मामला की सगा? जसी साहब मामला ये सगा कि जिस तरह की हम सरपंची दी चोणा चल रही आ उहदे विच मेरे मिसिज जिहड़े आ कि एससी कैटागरी तो जिहड़ा आ वो ऐतकी इलैक्शन लड़ रहे सी ते उहनां दे संबंध विच जिहड़ा आ कुछ पोस्टर जिदा आपां आम हुण आपां पब्लिसिटी करदे आ ते उह पोस्टर लगाए जा रहे सीगे ते साडे साथी कुछ जिहड़े सीगे उह कम्मकारां दे दिने हुंदे आ उह कहिंदे वी चलो हुण साडे कोल टाइम आ वी असीं जिहड़े आ कुछ पोस्टर आपां मतलब ला दईए। उह पोस्टर लगाउण गए तां उहनां दे नाल जिहड़ी आ कुछ जिमीदार भाईचारे दे कुछ लड़के मुंडे सीगे तां जिन्हां ने उहनां दे नाल जिहड़ी आ कुछ बदतमीजी कीती। मतलब पोस्टर लगाउण तों ही जिहड़ी गल्लबात शुरू होई? हांजी सर। तो पोस्टर लगाने तो उत्ते हुई आते आपस में ही कितने उन्होंने कहा भी इतने नहीं लाना जो भी असी नहीं लाने देने तो वह कह रहा सगा कहिंदा भी असी तुहाडे घर के मूहरे नहीं ला रहे भी किसी होर की कंध आ भी तुसी इत्थे सानूं लाने तो नहीं रोक सकते ना। ठीक है। तो बाकी है भी ये जे आप देखा जाए तो साडा चोण कमीशन भी इस चीज़ की मतलब जरा सूँ इजाजत दिता कि असी चोण प्रचार जरा कर सकते हैं। ठीक है। वो फिर वो लाने गए सके तो उत्थे आपस में ही जी इन की कोई आपसी को गलबात हुई आ दो मुंडिया की तो जरा एक मुंडा साढ़े पिंड तो सगा हरजिंदर जिंदी तो दूसरे पास सगा अमनप्रीत उर्फ कला तो उन्होंने आपसी जी गलबात हुई आ उस तो बाद इन्होंने कोई एक दूजे को हो सकता गाली गलोच भी किया होते जड़ा आ फिर इन्होंने माड़ी मोटी झड़प भी हुई इन्हों उस तो बाद फिर जड़ा ये जड़ा हरजिंदर जिंदी से अपने घर चले गया तो दूसरा जड़ा मुंडा सगा उन्हें की किया उन्हें कुछ अपने कोई यार दोस्त आ वो जो भी आने बहरों कुछ जोड़े आ मुंडिया उन्होंने सद्या बारहों मुंडे मंगाए गए हैं कहने का मतलब पिंड तो बहर दे सके मुंडे पता लगाया जानकारी तो पता लगाया कि कुछ दो मुंडे सके जो पिंड पंडोरी मुशारकती मड़ साहब वाली पंडोरी भी कहें तो भी उतों के दो मुंडे सके जिन्होंने जड़ा आ उ पिंड आके जी मतलब पूरी तरह उन्होंने वो चीज़ को खराब करने की कोशिश की तो जबकि जड़ा मुंडा मैं तो काम तो ही जा रहा सगा घरे तो जब उ जिमीदारा के घर के कोल मैं लंघ रहा था उत्थे मैं जो देखा माहौल भी मान लो कुछ गलबात हुई है तो उन्होंने मैंने रोकया मैंने कहें भी वो मुंडा हरजिंदर जिंदी भी मान लो आह काम करके गया ना भी वह पोस्टर लाँदा एक इन्हों की आपसी तकरार हो गई मैं कहा भी इदा करो भी तुम इनू मुंडे काले को समझाओ इनू कहो भी हूँ मान लो रौला ना पाओ भी आप जी भी गलबात आ भी सवेरे आप बह के कर लाँगे भी मैं उन्होंने जाके समझा भी कोई गलबात जो हुई भी आप सवेरे करा भी हूँ क्योंकि यदा भी मुंडे भी नशा किया हुआ सी ते ओदी भी हो सकता मैं कहा पीती हो कोई क्योंकि पीती बच्चे यहो जी गलबात हो जाती है तो इन्हों मैं कहा भी हूँ तुम मान लो जरा इनू आप ना मसला ना बधाओ भी इन्हों हमने आराम ना इन्हों को रैसट करो सवेरे आप जो भी आनू भी सद लाँगे ये भी आ जाएंगे बह के आप जी चौं बंद जेकर जिंद गलती हुई उन्होंने आप समझावे तो लेकिन वो जड़ा आ मुंडा काला सगा उन्हें जी टस तो मस नहीं हो रहा लेकिन उन्हें मेरे आने तो पहला यही कहने का मतलब उन्होंने कुछ अपने जड़े बदमाश कह लिए मौके दे ठीक है उन्होंने उन्हें पहला किया हो फोन तो वह मेरे होंदे तो ही उत्थे मान लो जड़े गड्डी दे विचों कत्ती कत्ती नंबर गड्डी करके आते वो स्विफ्ट सी तो वो उन्होंने उहदे विच आए आ दोहां दे कोल कईआं सीगीआं कही जी लैके तो वह पिंड अपने घर उस मुंडे के हरजिंदर जिंदी के घर वाल नूं चल पाया। ठीक है। तो गालां कढ़दे गए वह मान लो जिहड़ा चमारा नूं इह कराउंदे आ इह सरपंची इह चमार चूड़े साडे उत्ते मान लो आह करनगे आह करनगे जाती सोई शब्द भी बोलदे गए बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने गालां गाली गलोच भी किया तो जिंदी नूं भी गालां कढ़ियां तो इत्थों तक सारे समाज नूं कहण दा मतलब उन्होंने वो चीज़ की ना वो हालांकि लड़ाई जिंदी नाल सीगी उन्हूं जो मर्जी कहिंदे वो एक अलग मैटर है उन्हां दा पर लेकिन जिहड़ा वो सारे समाज नूं उहदे विच इकट्ठा कर रहे सीगे। उस तो बाद जो उधर गए आ तो उतों साढ़े नाल कुछ इधरों जिमीदार भरा जड़े गए भाईचारे के पिछों भी कुछ एक दो बंदे से जोड़े साढ़े नाल मान लो जोड़ा उन्होंने रोकने वास्ते नाल गया लड़ाई झगड़े मतलब मिटाने वास्ते लेकिन जो घर पहुंचे तो उत्थे जाके इन्होंने तोड़ भन्न की वो अंदर काफ़ी समान वो घर के उन्होंने तोड़ भन्न की तोड़ भन्न करने तो बाद असी जब तक पहुंचे हाँ तो इन्हों समझाने की कोशिश की अभी क्या भी तुम ये काम ना करो भी साडा पिंड का मसला है भी तुम बहरले मुंडे भी इतों चल जाओ भी ये काम ना करो उन्होंने कहने का मतलब मौका नहीं दिता तो उन्होंने वो चीज़ को छड़ के तो मेरे उत्ते उन्होंने अटैक करता
एक आया उन्हें सामने आके तो पहला मैं धक्का दिता, मैं माड़ा जहा उठा अपने आपू संभलिया, तो जो मैं उठाया तो नाल का दूसरा मे दूजा भी परले पास आ गया, उन्हें मेरे इतने जी कही मारी, उन्हें सीधी मारी कही सीधी अदले पास कई मारी, इतों लैके इतने तक मेरे टक लगा हो सारा मेरा ब्लड माला जोड़ा चोरिया है। तो दूसरा मुंडा आया वह भी मेरे इतने आया तो उन्हें मेरे इतने मतलब इतने इधरले पास मारिया उन्हें ना कहने का मतलब उन्होंने दोहां ने कई दे नाल कहने मतलब मेरे उत्ते वार किया। तो वह मौके पर कुदरती मेरा ब्रदर पिछे सीगा तो वह भी दौड़ के आए, जब उन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश की तो एक ने वो भी पिछे ढूई के उत्ते तो एक ने बांह के उत्ते भी मतलब जड़िया सट्टा लगियां उत्ते भी उन्होंने पुट्ठी कही मारी वो। तो उस तो बाद जड़ा आया असी फिर उतों गड्डी लैके तो फिर असी सिविल हॉस्पिटल इतने नूरमहल आ गए। सर पुलिस प्रशासन को तुसी जिहड़ी आप तुहाडे बयान लैके गए की कह रहा प्रशासन समय? प्रशासन की जो मैं गल करा प्रशासन साडा नूरमहल का प्रशासन जिहड़ा आ बहुत वधिया कोऑपरेट कर रहा। एस एच ओ साहब राती जदों उन्होंने नाल उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी उस तो बाद मौके पर इतने मेरे को सिविल हॉस्पिटल वो आए, इतने उन्होंने चलो बयान ले जा जो भी उन्होंने इनफॉर्मेशन लैनी सी उन्होंने दी आप तो अपने टोटली कहने का मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। हुण तक मान लो यहोजा कोई सानू इदा दा नहीं हैगा कि उन्होंने मेरे नाल हर तरीके नाल कोऑपरेट किया। उन्होंने बेटा चंबा जी तुसी तो हमेशा ही समाज की जिहड़ी आवाज़ नूं बुलंद करदे और कदे किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करदे, पर तुहाडे उत्ते इस तरह जानलेवा हमला होना कि जिहड़ा सरपंची नूं मुख रख के ही किया गया तुहानूं लगदा? जे देखिया जाए तो सारा यह जोड़ मेल उत्थे ही मतलब ढुकदा पिया आ, क्योंकि जे आपां गल कर लईए ये होर तो कोई इशू है नहीं गा, ठीक है कित ना कि जड़िया वो चीज़ा सानू लग रही आ कि भी जड़ा आ ये उस चीज़ में जी इस टाइम इलैक्शन लैके ही जड़ा आ मुद्दे बनाए जा रहे हैं जान बुझ के, तो जड़ा आ इस चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। जबकि ऐतकी मैं गल करा तो ऐतकी साढ़े पिंड जी जी सरपंची की जी उम्मीदवार ऐसी मतलब जड़ा आ समाज के बच्चों। सर प्रशासन तो की मंग करते हो इस मामले संबंधी? प्रशासन तो मैं यही मंग करता हाँ कि जो जड़े यहोजे आंसर आ खासकर उन्होंने असी पहला तो कार्रवाई करनी चाहते हाँ कि जोड़े बंदे अपने पिंड दे विच यहोजी दहशत फैलाने बाहरों गुंडियां नूं पैदा मान लो सादा देंदे आ, ठीक है उन्होंने तो पहला नत्थ पाउणी आ, उस तो बाद जड़ा आ जड़े बाहरों गुंडे आउंदे आ उन्होंने यहोजा सबक सिखावांगे कि वह अपना मान लो जड़ा आ गाहां साडे पिंड विच पैर पाउण लई 100 बार सोचणगे। चाहते हैं कि असी जिहड़ा साडा प्रशासन आ जिहड़ा आ उह साडी जिहड़ी आ साडे नाल कोऑपरेट करके तो वह चीज़ में जिहड़ा आ सानूं कानूनी तौर पर जिहड़ा आ उह हक दिवे। धन्यवाद जी।